इस बार 2 दिन लगातार अमावस्या के योग हैं। मोक्षदायिनी शिप्रा में अमावस्या के पर्व पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इस बार हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2 दिन अमावस्या पर्व मनाया जाएगा। शुक्रवार के दिन अमावस्या पर्व पर शहर सहित ग्रामीण जन द्वारा रामघाट पर स्नान किया गया। रामघाट पर लोगों ने विभिन्न तरह की बाधाओं से मुक्ति के लिए स्नान किया। वहीं कईयों ने स्नान कर कोरोना महामारी से मुक्ति की कामना की। अमावस्या 2 दिन होने पर शनिवार को पड़ने के कारण इसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि शनिश्चरी अमावस्या के दिन कुछ उपाय करने से शनि संबंधित कष्टों से मुक्ति मिलती है। शनिश्चरी अमावस्या शनिवार के दिन सुबह 6:30 बजे तक रहेगी। उदयन होने के कारण यह पूरे दिन की शनिश्चरी अमावस्या कहलाएगी। हालांकि शासन द्वारा शिप्रा नदी के घाटों पर शनिश्चरी अमावस्या के दौरान स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूर्ण रूप से जो अमावस्या है वो पितृ शांति वगैरह, तर्पण वगैरह, पिंडदान वगैरह जो पितरों के लिए किया जाता है उसका महत्व आज ही है, क्योंकि आज जो है पूर्ण रूप से अमावस्या है और सुबह जो है 6:30 बजे तक सिर्फ अमावस्या रहेगी। शनिवार को उदया तिथि में है इसलिए उसको शनिश्चरी भी मानी गई है, बाकी अमावस्या पूर्ण रूप से आज है। क्या महत्व आज के दिन का है? आज के अमावस्या पितरों की तर्पण पिंडदान वगैरह करना, स्नान करना, नहान करना देवी देवताओं का, उसका महत्व है। बाधाओं को लेकर भी लोग स्नान करते हैं? हाँ, अगर अपने शरीर में कोई तकलीफ है, कोई बाधा है कोई, तो उसके स्नान करने से दूर हो जाता है।